बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग के साथ बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी, वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वो पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं जाना था जहां थककर और हारकर पहुंचेगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध आने ही नहीं दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी, लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुँचेगी जहाँ उसे जाना है। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसकी जीत का कोई उपाय नहीं था और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आप सपने ना देखें या उनके लिए मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीजों को बदलने की कोशिश न करें जो आपके हाथ में नहीं है। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन को बर्बाद न करें, बल्कि खुद